अस्सलाम वालेकुम. टुडे हियर आई एम गोइंग टू टीच यू द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज मरियम जावेद. आई डिड MBA फाइनेंस, MPhil फाइनेंस एंड नाउ अ डेज आई एम डूइंग PhD इन फाइनेंस. द एरिया ऑफ माई रिसर्च इज इम्पैक्ट ऑफ VOP कंपोनेंट्स ऑन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इन पाकिस्तान. Besides this, I am doing job as Deputy Director Finance and in charge fee section. First of all, I would like to give you the introduction of financial markets and institutions. The textbook for the few people is Financial Markets and Institutions by Frederick Mixkin. Before starting the lecture, I would like to give you a very brief description about the course. As the name of the course depicts that the course is about the financial institutions, markets and the financial system. सबसे पहले मैं आपको financial institutions, market, system इनमें क्या होता है. अगर हम financial institutions की बात करें तो financial institutions के अंदर हमारे banks आते हैं, insurance companies आती हैं, उसके अलावा इसके अंदर हमारी म्यूचुअल फंड्स आते हैं, पेंशन्स आते हैं. एंड अगर फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो बॉन्ड, स्टॉक मार्केट एंड फॉरेन. अब इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे काम करते हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या है, उनकी फॉर्मेलिटीज क्या है, उनका क्या काम है और वो उनका हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स का एक मेजर रोल होता है. अगर हमारी मार्केट्स या इंस्टीट्यूशंस एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी और ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा. उसके अलावा ये कोर्स आप लोगों को ये बताएगा कि नेचर, रोल एंड ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स, कि फाइनेंशियल सिस्टम बनता कैसे है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका रोल क्या है. उसके अलावा आप वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब यहाँ पे तीन टर्म्स यूज हुई हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, जैसा कि इसमें हमारे बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं और पेंशन एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं. मार्केट्स में भी बॉन्ड्स एंड स्टॉक मार्केट्स एंड फॉरेन रिसर्च. अब ये कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो काम होता है वो ये होता है कि वो किसी भी बायर सेलर को नॉलेज, एक कॉमन बंदे को ये नॉलेज प्रोवाइड करें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है. उसके अलावा इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाए टुडेज डायनामिक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के लिए. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, उसमें हर चीज ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ चुकी है. इसी तरह इसी इनोवेशन की अगर बात करें तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट भी काफी चेंज हो चुका है और हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स का के ऊपर इस इनोवेशन का एक गहरा इम्पैक्ट है. और ये सब्जेक्ट आप लोगों को ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का क्या इम्पैक्ट है. प्रीवियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह कैसे काम कर रहे थे और अब विद न्यू टेक्नोलॉजी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनमें क्या इनोवेशंस आएंगे, क्या चेंजिंग्स आएंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. ऑफकोर्स हर चीज के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह इसके भी कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं. प्रॉज एंड कॉन्स की बात हम बाद में करेंगे जब हम इस पे लेटर डिस्कस करेंगे. उसके अलावा आप ये देखें कि ये इस कोर्स का स्कोप जो है वो ये है कि डायवर्सिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टीट्यूशंस आपको बताया जाए, नॉट ओनली एट द डोमेस्टिक लेवल बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल अरीना. अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां की फाइनेंशियल मार्केट्स इतनी डेवलप नहीं है
और ना ही उसकी इकोनॉमी पे उसका इतना ज्यादा कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट है, क्योंकि जब तक मार्केट्स डेवलप नहीं होंगी तो कोई भी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डेवलपिंग डेवलप फेज में नहीं जा सकता। और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए उसकी मार्केट्स भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। और फिर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उनकी मार्केट्स इतनी डेवलप्ड क्यों हैं, उनके उनके डिफरेंसेस क्या हैं, उनके उनके मार्केट्स में कैसे अपना एक इकोनॉमी के ऊपर एक अपना रोल प्ले कर रही है और पाकिस्तान की क्या। इसमें हम कंट्रास्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे अपनी डोमेस्टिक मार्केट को विद इंटरनेशनल मार्केट। द बेसिक एम्फेसिस ऑफ द कोर्स इज रिफ्लेक्टेड इन द कोर्स असेसमेंट्स, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल रेलिवेंस। अब बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, that is an overview of the financial system, I would like to give you a very brief example. In the evening news, you have just heard a news that stock market has been booming. Now think for a moment ki ab is stock market has been booming ka kya impact padega, iska basically kya impact hai. Aapne ye ek news sun li to iska har banda isko har apna perspective se dekhega. सबसे पहले कि हमारे माइंड में बात आएगी कि इंटरेस्ट रेट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक मार्केट अगर बूम कर रही है तो क्या इंटरेस्ट रेट फॉल होगा या राइज होगा। उसके बाद मतलब स्मॉल बिजनेस या रिटेल बिजनेसेस हैं वो देखेंगे कि उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो एक कंप्यूटर अपने बिजनेस के लिए परचेज करना चाह रहे हैं तो वो देखेंगे क्या ये राइट टाइम है, राइट डिसीजन इस टाइम वो ले सकते हैं कंप्यूटर परचेज करने का। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन मार्केट में काम कर रहा है तो वो ये देखेगा कि अगर इंपोर्ट्स वगैरह पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंट्री की जब स्टॉक मार्केट बूम कर रही है तो क्या उसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो एक्सपेंसिव हो गए हैं या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। उसके अलावा अगर कोई ये भी देख सकता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी फ्यूचर में, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। और फिर हम ये देखेंगे क्या अगर कोई बिजनेसमैन डिसीजन लेना चाहता है कि वो एक बिल्डिंग खरीदना चाह रहा है या वो कार खरीदना चाह रहा है तो वो इसके बारे में सोचेगा क्या क्या ये राइट टाइम है मेरे लिए। स्टॉक मार्केट क्योंकि बूम कर रही है, इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट कर रहा है तो क्या मुझे ये एक डिसीजन मेरा वाइज डिसीजन होगा इस टाइम पे या नहीं। बिसाइड्स दिस आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनीज ने अगर स्टॉक मार्केट इश्यूएंस ऑफ शेयर्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह करने तो वो कैसे करेंगे। और अगर किसी पर्सन ने लोन लेना है बैंक से तो वो ये देखिएगा क्या अब इसका क्योंकि स्टॉक मार्केट की अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, सेम इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन या राइज कर रहा है तो क्या मेरे लिए अभी एक बेहतरीन टाइम है लोन लेने के लिए, मुझे लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट to describe what is financial system. अब जैसा कि financial system एक name depict कर रहा है कि एक system ऐसा जिसके अंदर आपकी markets, organizations and individuals सारे आ जाते हैं that are engaged in the transaction of financial instruments as well as the regulatory institutions. अब financial system एक ऐसा system है जो पूरी इन markets, organizations को regulate कर रहा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। एक सिस्टम डिसाइड हुआ हुआ है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में काम करना है। बेसिक जो रोल है फाइनेंशियल सिस्टम का वो ये है कि दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द पीपल्स हु हैव एक्सेस ऑफ फंड्स टू दोज पीपल हु हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स। इसमें क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल सिस्टम अब वहां से जिन लोगों के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है उनका ऐसा है कि उन्होंने किसी उसमें मतलब प्रोडक्टिव उनका यूज नहीं कर रहे हैं तो उनसे वो अमाउंट कैसे फंड्स ट्रांसफर करने टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली नीड ऑफ दैट अमाउंट। अब उसमें आपके डिफरेंट पीपल भी आ सकती हैं, कंपनीज भी आ सकती हैं, इट डिपेंड्स। और इसके अलावा सेम लाइक फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिशिएंट डेफिशिएंट यूनिट्स ऑफ फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज। ये नहीं कि उसका कोई पर्पज नहीं है, उसको हम प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज करेंगे। कहां से? सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट्स की तरफ। अब अगर हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो जब आपका ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो रहे होते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसका ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट होगा बल्कि आपकी पूरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट होगा, बिजनेस की प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट होगा और इन द लॉन्गर रन हमारी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा। वो क्या इम्पैक्ट होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। अब इसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम की बात आती है तो इसको इसके ऊपर काफी रिसर्च की गई, डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपने व्यूज दिए। इसमें से एक कॉमन व्यू जो थोड़ा कम्प्रीहेंसिव था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन एलन
in comparing financial systems. According to him, financial systems are very crucial for the allocation of resources in a modern economy. अब देखिए उसकी उसने वर्ड यूज किया है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप लोग सब जानते हैं कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड. अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो हमेशा यही बात आती है कि हमारा कैपिटल इज ऑलवेज लिमिटेड. कुछ रिसोर्सेज तो अब कैपिटल भी एक ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वो आपको चले फिर भी आजकल थोड़ा बहुत नजर आएगा, लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हमेशा लिमिटेड होता है और आपको उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना होता है. तो अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या करेगा कि वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है मॉडर्न इकोनॉमी में उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. वो लोगों को मोटिवेट करेगा जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उसको वो कॉरपोरेट सेक्टर में लेके आए और अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह अमंग फर्म्स. वो क्या करेगा कि वो लोगों को अब हाउस होल्ड लोगों को क्या पड़ी है कि वो अपने पैसे वो क्या करेंगे, वो अपनी सेविंग्स करेंगे, उनको बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, बैंक उनको इसके रिगार्डिंग मार्कअप देगा. तो एक हाउस होल्ड जो भी लेंडर होगा उसकी उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल रही होगी, कुछ मार्कअप भी मिल रहा होगा, तो इन सॉर्ट ऑफ दैट वो कंपनसेट हो रहा होगा वो अपनी. और बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स जो हैं वो पैसे आगे उन कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को या उन इंडिविजुअल्स को देंगे हु हैव प्रोडक्टिव यूज ऑफ दैट. ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसके अंदर आपको हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सारा कंसेप्ट नजर आएगा. अगर हम सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दोज इंस्टीट्यूशंस दैट इंपोर्ट फाइनेंशियल नॉलेज टू द कस्टमर्स. अब फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स जो है इसके अंदर बॉन्ड, स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट्स आती हैं. अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, डायरेक्ट फाइनेंस एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस. बिफोर स्टार्टिंग द अदर डिस्क्रिप्शन अबाउट अदर टर्मिनोलॉजीज I would like to give you a very brief difference between direct financing and indirect financing. आप लोगों को पहले से आप लोग क्योंकि MBA के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को फाइनेंसिंग का पता होगा, लेकिन एक दफा इसको हम रिकॉल कर लेते हैं. डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, डायरेक्ट फाइनेंसिंग में जैसा कि वर्ड डिपिक्ट कर रहा है डायरेक्ट, इट मीन्स कि डायरेक्ट फाइनेंसिंग है बिटवीन बायर एंड सेलर. इसमें कोई भी इंटरमीडिएट वगैरह नहीं है. उसका इम्पैक्ट आप देखें, उसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं हर चीज का. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई ना कोई बेनिफिट होता है, तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग में आपकी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये रिस्की भी बहुत है. इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग ऐसी फाइनेंसिंग है जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स वगैरह आ रही है. वो कौन सी इंटरमीडिएट्स है, बैंक्स हैं. बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स आपकी सेविंग्स होती हैं, आपसे आपकी सेविंग्स को बैंक जो है वो आपकी सेविंग्स को बैंक क्या करता है कि वो आप अपने बैंक्स में डिपॉजिट कराती हैं और बैंक क्योंकि रोल प्ले कर रहा होता है सेम टाइम एज अ डिपॉजिटिंग एंड बोरिंग मनी. अब वो डिपॉजिट कर रहा है आपसे लेके और किसी और को बोरो कर रहा है और बैंक उनसे क्या चार्ज करता है, इसकी अपनी सर्विसेज इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है. अब इसी फ्लो चार्ट में अब देखें एक तरफ आपके लेंडर्स आ जाते हैं. लेंडर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपने पैसों को सेव कर रहे होते हैं. अब इसमें आपके डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं लाइक हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड्स का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. हाउस होल्ड क्या होता है कि जो लोग इंडिविजुअल्स इसमें आ जाते हैं, जो इंडिविजुअल्स अपने अपनी स्पेंडिंग को एक जो है वो सिग्निफिकेंट वे में देख देखते हैं और अपनी डेली मंथली इनकम में से कुछ ना कुछ सेव करते हैं और उसको बैंक्स में या किसी तरह. अब उसके डिफरेंट वेज हैं, या तो वो बैंक में रखवा देंगे उसको या वो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे किसी बिजनेस वगैरह में या फिर वो किसी पेंशन फंड वगैरह में कर देंगे या फिर वो इंश्योरेंस कंपनीज में कर लेंगे. इंश्योरेंस कंपनीज में लोग इसलिए जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का बेसिक काम क्या होता है, बेसिकली वो ये होता है कि वो रिस्क को डाइवर्सिफाइड करते हैं और हर कोई चाहता है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके. सेकेंड टाइप जो चीजें हैं, बोरोअर्स कौन हो सकते हैं. बोरोअर्स में आपके बिजनेस फर्म्स आ सकती हैं, गवर्नमेंट आ सकती है, दोबारा हाउस होल्ड वगैरह भी ले सकते हैं और फॉरनर्स भी आ सकते हैं. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और आपका पर्पस क्या है, आपको डायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाना चाहिए या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ. लेकिन जब भी आप ऐसा कोई डिसीजन करें तो आपको एक दफा अपना पूरा प्लान वगैरह देखना चाहिए. आपको ऐसा डिसीजन करना है जो आपकी फर्दर ट्रांजेक्शन पे कोई इम्पैक्ट ना हो. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन
कि वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग में जाए या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में जाए. इस डायग्राम को हम फर्दर अपने सेकंड चैप्टर में इसको और ज्यादा एलोबरेट और डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ फाइनेंशियल सिस्टम का और आपको टर्मिनोलॉजीज वगैरह बता रही हूँ, इसलिए इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में इसको दोबारा से एक्सप्लेन एलोबरेट और एक्सप्लेनेशन वगैरह हो जाएगी. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब क्वेश्चन ये है व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बहुत से लोग आपसे अवेयर भी होंगे और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज इम्पार्ट करते हैं. अब उसमें क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स भी आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, बैंक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं. और जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो सेम टाइम जो बैंक्स या म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का रोल प्ले कर रही होती हैं. तो यहाँ पे हम पहले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को डिस्क्राइब करते हैं. इसके ऊपर डिफरेंट ऑथर्स ने रिसर्च की. अकॉर्डिंग टू मिशकिन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स दैट कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम लेंडर्स एंड चैनल दोज फंड्स टू बोरोअर्स. सबसे सिंपल डेफिनेशन कि वही कि वो एक ट्रांजेक्शन करेगा, ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर लैंडर एंड बोरोअर या बायर एंड सेलर, ठीक है. और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मर्टन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स हुज प्राइमरी बिजनेस इज टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन मोर एफिशिएंटली बाय ट्रांजेक्टिंग डायरेक्टली इन सिक्योरिटीज मार्केट्स. देखिए उसने कहा है कि उसने थोड़ा और इसको एलोबरेट किया है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो फर्म्स हैं जिनका प्राइमरी मकसद आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देना है जो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. अब वही इसमें इनडायरेक्ट, ये किस्म की इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की बात हो रही है, क्योंकि अब किसी कॉरपोरेशन जस्ट लाइक आपको पता है कि कंपनीज, ऑर्डिनेंस कंपनीज की अगर हम बात करें, अपनी पब्लिक कंपनीज की बात करें, तो वो लिस्ट क्योंकि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में रजिस्टर्ड होती है. अगर अब उन्होंने कोई लोन वगैरह लेना है या उनको शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं, वो अपनी कंपनी की एक्सपेंशन के लिए या अपनी कंपनी की कुछ ऐसी नीड्स हैं जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगी? वो हरगिज डायरेक्ट फाइनेंसिंग के लिए नहीं जाएंगी, वो वहाँ पे इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगी. जब वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगी तो वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह देखेंगी जो, या ऐसी इंटरमीडियरीज देखेंगी जो उनको ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करे और वो ताकि उनको सारी इंफॉर्मेशन दे कि उनका, उन्होंने उनको क्या इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, उनकी पीरियोडिक पेमेंट्स कैसे होंगी, उनकी इंस्टॉलमेंट्स, पूरा उनको एक प्लान वगैरह दे दे. उनकी अब कंपनीज क्योंकि लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उनको कोई भी इस तरह का डिसीजन करने के लिए, उनके लिए जरूरी है कि वो इंटरमीडियरीज वगैरह की तरफ जाएं. अगर हम पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है या सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कोई एक्ट ही नहीं है, एक बंदे का बिजनेस है. अब वो बंदा क्या करेगा? वो कहेगा कि मुझे क्या जरूरत है मैं इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में जाऊं, इतनी कॉस्ट पे करूं, तो उसके लिए बेहतर डिसीजन यही होगा कि वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ चला जाए. और हाँ ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा रिस्की ये है, लेकिन वो कहेगा मैं लीगल फॉर्मेलिटीज की तरफ नहीं जाना चाह रहा. अब जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होता है, उसमें भी उनकी कोशिश यही होगी कि वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाए. और जो कंपनीज हैं वो तो बाउंड है, उनको हमेशा इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाना पड़ेगा. जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है 4 मेन थिंग्स में. नंबर 1 ब्रोकर्स, डीलर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ये जो 3 तरह की कैटेगरीज हैं ये डील करती हैं एंगेज इन ट्रेड इन सिक्योरिटीज डायरेक्ट फाइनेंस. अब आपको मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में काफी बता चुकी हूँ. तो ब्रोकर्स, डीलर्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं, और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करती है. और इसके बारे में भी आपको बता चुकी हूँ कि वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग क्यों करती है, ताकि वो प्रॉपर इसके ऊपर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और इसमें रिस्क भी कम हो जाता है, वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लेती हैं. अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्योंकि पहला जो था वो ब्रोकर्स था, ब्रोकर्स क्या करते हैं? ब्रोकर्स हैव अ लाइसेंस टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. ये बेसिकली वो एजेंट्स वगैरह होते हैं जो बायर और सेलर के दरमियान में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं. मतलब एक बायर एक सेलर है, उनकी जो डिजायर्ड
ट्रांजेक्शन का डिजायर्ड पर्पज है, वो क्या करेगा, वो बायर्स और सेलर्स को आप इसमें कोऑर्डिनेट करवा रहा होगा, और इसके ऊपर वो क्या करता है, वो कमीशन चार्ज करता है आपसे. अब आप अगर डेली लाइफ में देखें, ब्रोकर्स वगैरह कौन होते हैं, आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, आपके रियल इस्टेट ब्रोकर्स हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, और अपनी सर्विसेज वगैरह वो देते हैं, इनका कोई नाम वगैरह इसमें नहीं होता क्योंकि इनके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग होती है. अब अगर डीलर्स की बात करें तो डीलर्स जो हैं वो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, वो उनका काम थोड़ा डिफरेंट होता है. आपने अपनी डेली लाइफ में डीलर्स का वर्ड सुना होगा, लाइक प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, वो ऐसे कुछ आपने न्यूज़पेपर में इसके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखे होंगे कि प्लॉट वगैरह की सेल के लिए एंड परचेज के लिए आ रहे हैं, तो वो एक एड देखेंगे, वो अब कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं, एट लोअर कॉस्ट खरीदते हैं, और उसके बाद वो उसको लोगों के पास, अपने जो उनसे उनके पास आते हैं लोग वगैरह ट्रांजेक्शन के लिए, डिजायर्ड जो उनकी चीज होती है, या वो उसको लोगों के जो लोग उनके पास, क्योंकि उनके ऑफिस वगैरह होते हैं, वो सेलर्स बायर्स से कोऑर्डिनेट करे होते हैं कि किसी को कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो उसी प्रॉपर्टी को हायर रेट के ऊपर सेल कर रहे होते हैं. तो अब देखिए उनका जो डिफरेंस क्या है कि बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, जो बिड आस्क स्प्रेड का डिफरेंस है, उसके ऊपर वो लोग अपना प्रॉफिट्स ले रहे होते हैं बेसिकली. और जो बेसिक काम है डीलर्स का वो ये है कि बाइंग एसेट्स एट लो प्राइसेस एंड सेलिंग देम एट हाई प्राइसेस. अगर हम इसमें एग्जांपल्स देखें तो डीलर्स इन यूएस कॉमन बॉन्ड्स हैं, स्टॉक डीलर्स वगैरह हैं, और ये बेसिकली ये भी देखिए हम दोबारा से ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का रोल प्ले कर रहे हैं. एक बायर और एक सेलर है, उसके दरमियान में डीलर है. सेम इस तरह ब्रोकर भी है, वो बायर और सेलर के दरमियान एक ट्रांजेक्शन कर रहा है. बायर उसको अपनी बता रहा है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने अपनी ट्रांजेक्शन किस तरह करनी है, और सेलर उसको बता रहा है कि मेरी क्या डिमांड है. तो वो उन दोनों के दरमियान एक मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में आता है. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं. अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन से बैंक्स हैं, आप देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो बैंक्स हैं जो इनिशियल सेल ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज वगैरह करते हैं. इसमें आप देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आईपीओज वगैरह आ जाते हैं. आप लोगों ने अपनी कंपनीज या एमबीए के स्टूडेंट में बेसिक कोर्सेज वगैरह पढ़े होंगे, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस वगैरह, तो उसमें जब कंपनीज की बात होगी तो आपने आईपीओ पढ़ा होगा. आईपीओ एब्रिविएशन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती क्या है, ये नाम ही डिपिक्ट कर रहा है कि फर्स्ट टाइम जो कंपनीज अपने शेयर्स को मार्केट में लेके आती हैं, और वो मतलब जनरल पब्लिक को ये कहती हैं कि आप लोग आए और शेयर्स खरीदें. तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बेसिकली प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है. इसके अंदर आप देखें ये ट्रांजैक्शन किसके दरमियान हो रही होती है, इश्यूअर ऑफ द कंपनी एंड इन्वेस्टर, ठीक है. और ये जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है, ये ट्रांजेक्शन कराने में इन्वेस्टमेंट बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. अब हम सेकंड बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं इन वैरायटी ऑफ सर्विसेज. अब आपकी कौन से सर्विसेज की बात कर सकते हैं कि आपको एडवाइस, सेल असिस्टेंस, अंडरराइटिंग ऑफ इश्यूएंस. अब आपने कंपनी के शेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में, कॉमन स्टॉक के बारे में, अंडरराइटिंग ऑफ इश्यूएंस. अभी क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है तो हम इसको बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करते, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है, अगर आपने कॉमन स्टॉक की तरफ जाना है या प्रेफर्ड स्टॉक की तरफ, तो इसके ऊपर जितनी भी हेल्प या असिस्टेंस चाहिए किसी को, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का काम है. इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, लाइक पाकिस्तान में इतनी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान की मार्केट इतनी डेवलप्ड मार्केट नहीं है. तो इसके ऊपर जो यूएस गवर्नमेंट की आपको एग्जांपल देती हूँ, मॉर्गन स्टेनले, गोल्डमैन सैचेस, इनके ये दो इम्पोर्टेंट हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स काम कर रहे हैं, और इनका हम आगे भी बताएंगे. ये वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जिन्होंने 2008 से पहले तो बहुत काम किया, लेकिन अनलकीली 2008 में ये लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए. अब ये वहां पर बात रिस्क वगैरह की आ जाएगी, वो हम फर्दर आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं. अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिक जो पर्पज है, इसके अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आ जाती हैं. वो उन क्या करती हैं कि वो अपने बायर्स और सेलर्स को इनडायरेक्टली मैच करती हैं थ्रू द फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन. अब फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप सबको पता है कि एसेट्स क्या होते हैं. एसेट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स.
करंट एसेट्स, क्योंकि जैसा कि नाम से श्योर है, आर दोज एसेट्स विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इन टू कैश, एंड फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट आर नॉट रेडिली कन्वर्टेबल इन टू कैश. तो अब करंट एसेट्स में हमारे कैश आ जाती है, सिक्योरिटीज वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द एसेट्स हैं. और अगर हम अपने फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो इसमें बिल्डिंग प्लांट, क्योंकि अगर आप देखिए बिल्डिंग आपने सेल आउट करनी है, तो क्या आप आज के आज बिल्डिंग को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा. आपकी बिल्डिंग की जो वैल्यू है, आप चाहेंगे मुझे उस पर थोड़ा प्रॉफिट भी मिले, या चले प्रॉफिट नहीं भी मिलता, इवन मैं इसको ब्रेक इवन एनालिसिस का कर लूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो सेल करूँ. लेकिन इन द केस ऑफ कैश या सिक्योरिटीज वगैरह हैं, तो आप उसके लिए फॉरन से इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब एक इसमें मैं फर्दर आपको एलोबरेट करती चलूंगी कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर बिजनेसेस हैं. उनको इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी का वर्ड क्या है, इनिशियल स्टेज में जो फंडिंग वगैरह चाहिए. अब अगर मैं अपने एग्जाम्पल आपको कोट करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा, उनके यहाँ भी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो यही है कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू करते हैं, रादर देन थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट्स. उनको जब भी फंड वगैरह चाहिए होते हैं तो वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू करते हैं. उनके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक सेफ है, रिस्की, इसमें रिस्क इतना नहीं है, सेफ साइड है. तो लोग यही चाहेंगे कि अगर वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उनका रिस्क हो, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिस्क है. अब मैं आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, क्योंकि आपने देखी कि इसमें आपके ब्रोकर्स आ गए, इसमें डीलर्स आ गए, उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गए, लेकिन इसके अलावा कई सारी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं. इसको कैटेगराइज किया जा रहा है तीन मेन ब्रांचेस में. नंबर फर्स्ट है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस. अब डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, अगर आप देखें इसका नाम डिपॉजिटरी, तो आपके माइंड में क्या ख्याल आएगा? सबसे पहले यही ख्याल आएगा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बैंक्स. बैंक्स क्या करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स वगैरह का मकसद क्या होता है? वो आपके डिपॉजिट्स लेता है और बोरो एंड बोरिंग एंड लैंडिंग, वो सबसे ज्यादा बैंक्स इन्वॉल्व्ड हैं इस टाइम पे. उसके अलावा आपके सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस वगैरह आ जाती हैं, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स आ जाते हैं, और क्रेडिट यूनियंस. अब क्रेडिट यूनियंस की बात हो रही है तो इसके इसमें क्या आएगा? क्रेडिट यूनियंस में आपकी एसएमईज वगैरह भी आ सकती हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक जैसे. अब पाकिस्तान में एक ही एसएमई थी जो अब बैंक में कन्वर्ट हो चुकी है, कश्यप फाउंडेशन, के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. कश्यप फाउंडेशन का बेसिक क्या काम था कि सबसे पहले वो एसएमईज में काम कर, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. अब उसका मकसद क्या था कि वो लोगों को, जहां पे लोगों को शॉर्टेज ऑफ फंड्स थी, क्योंकि इसका नाम ही रिफ्लेक्ट कर रहा है स्मॉलर लेवल, तो उसको माइक्रो फाइनेंस, ये क्रेडिट यूनियंस वगैरह में आ जाता है कि इस तरह की यूनियंस बनाई गई हैं जो लोगों को जब शॉर्टेज ऑफ फंड्स वगैरह हो, उनको फंड्स वगैरह चाहिए हो, तो वो ले सकें. उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस. कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग, अब देखिए इसमें आपको कॉन्ट्रैक्चुअल से पता चलता है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो इस आपके माइंड में क्या आएगा कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस में? कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं. अब इसमें क्या है कि आप जो भी, मतलब एक पीरियोडिक इंटरवल आता है जिसके ऊपर आपने कोई ना कोई पेमेंट देनी होती है, जैसे आप प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस. म्यूचुअल फंड वगैरह भी ऐसे ही काम. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज हैं, उसमें डिफरेंट फाइनेंस कंपनीज आ जाती हैं, आपके मनी मार्केट फंड्स आ जाते हैं. अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को और ज्यादा एलोबरेट करते हैं, क्योंकि आप जितने भी आगे चैप्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कोर्स में पढ़ेंगे उसके अंदर यही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को बार बार जिक्र आएगा. तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर लेते हैं, ताकि अगर फ्यूचर चैप्टर्स में, फ्यूचर में हमें फर्दर चैप्टर्स पढ़ते हुए बार बार आपके माइंड में टर्म्स वगैरह का आपकी कन्फ्यूजन ना हो. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में जो पहली आती है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस. अब देखिए इसमें कमर्शियल बैंक्स, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कमर्शियल बैंक्स का क्या काम होता है. सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस, ये भी वही काम है बेसिकली कि सेविंग्स एंड लोन्स एसोसिएशन, लोग अपनी सेविंग्स वगैरह देते हैं, उस पर कोई बेनिफिट वगैरह होते हैं, और फिर लोन. म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस, कॉन्ट्रेक्चुअल में बात की इंश्योरेंस कंपनीज की और पेंशन की, इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज की, फाइनेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह, और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. अब मनी मार्केट, मनी मार्केट को आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करेंगे कि मनी मार्केट्स क्या होती हैं. वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मनी मार्केट्स एक
मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे जाके फाइनेंशियल मार्केट्स में पढ़ेंगे. मनी मार्केट्स बेसिकली वो मार्केट्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह में काम करती हैं. ये तो हो गया इंटरमीडिएट्स. अब देखिए एक और इसमें ये चार्ट है कि इंटरमीडिएट्स क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या हैं, और मतलब उनका सोर्स ऑफ फंड क्या है और यूज ऑफ फंड क्या है. हर केस में हम एक एक को डिस्क्राइब करते चले जाते हैं कि उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है और उसका यूज ऑफ फंड क्या है. पहली बात कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स का बेसिकली डिपॉजिट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स या कोई भी इसमें कंपनीज अकाउंट भी हो सकता है, उनके जो डिपॉजिट्स वगैरह हैं. और यूज ऑफ फंड्स क्या है कि हम बिजनेस एंड कंज्यूमर लोन्स वगैरह, मॉर्गेजेस वगैरह, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आ जाएंगी और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आ जाएंगे. उसके अलावा गवर्नमेंट लोन्स वगैरह भी आ सकते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे. गवर्नमेंट को क्यों लोन वगैरह चाहिए होता है, अभी मैं आपको आप यहाँ पे इतना ही रखें, जब आगे जाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. फिर देन सेविंग एंड लोन एसोसिएशन, इनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड है वो भी डिपॉजिट्स हैं, और इनका जो यूज ऑफ फंड है उसमें मॉर्गेज आता है. अब देखिए यहाँ पे वर्ड मॉर्गेज बार बार आ रहा है, तो आपको मॉर्गेज के बारे में पता है मॉर्गेज क्या होता है. मॉर्गेज एक किस्म का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखवाते हैं. इसको उर्दू में अगर बात करें तो गिरवी रखवा के कुछ लिया जाता है, ताकि आप जैसे अगर आपने एक बिजनेस मैन है, लेट्स सपोज उसको फाइनेंसिंग करनी है अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो उसका एक घर है तो बैंक के पास जाएगा, उसको एक बड़ी अमाउंट चाहिए, तो बैंक उसको कहेगा कि तुम मॉर्गेज एज अ मॉर्गेज कोई चीज रखवाओ. तो वो अपने घर को मॉर्गेज रखवा के बैंक से लोन ले लेगा, और जब वो बैंक को वापस करेगा, ये चीज होती है मॉर्गेज. म्यूचुअल सेविंग बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस में देखें, सेविंग बैंक्स में अगेन सोर्स ऑफ फंड आपका डिपॉजिट्स है और यूज ऑफ फंड मॉर्गेज है. क्रेडिट यूनियंस में दोबारा आपका सोर्स ऑफ फंड डिपॉजिट्स है और यूज ऑफ फंड कंज्यूमर लोन्स हैं. उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस, आप इसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं. इंश्योरेंस कंपनीज का जो बेसिक काम होता है वो होता है डाइवर्सिफाई करना, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना. इंश्योरेंस कंपनीज देखें, आप लोगों ने भी सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, इसके ऊपर डिफरेंट ईएफयू वगैरह, जिस तरह आजकल एड्स भी आ रहे होते हैं, आपने एक एड देखा होगा कमाल कर दिया. तो उसमें ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या काम करती हैं, बेसिकली ये होता है कि आपका इन द केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और एनी अर्थक्वेक, एनी नेचुरल डिजास्टर, आपको रिकवर किया जाता है. इसमें आपके लोन को आपके सॉरी यहाँ पे जो आपका लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जाता है. इसमें प्रीमियम फॉर्म पॉलिसीज है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड मॉर्गेज आ जाते हैं. उसके अलावा फायर एंड कैजुअल्टी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स, गवर्नमेंट रिटायर फंड्स वगैरह हैं. इसमें थोड़ा सा आप देखें सोर्स ऑफ फंड सबसे डिफरेंट है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस वगैरह. अब देखिए आपको पता है गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पेंशनेबल जॉब्स होती हैं उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज से हर महीने कुछ रिडक्शंस की जाती हैं, जिनको आप कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन फंड में, सोर्स ऑफ फंड है. और उसका यूज क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स वगैरह. इसी तरह कुछ फाइनेंस कंपनीज वगैरह हैं, उनका सोर्स ऑफ फंड क्या है, कमर्शियल पेपर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स. और उनका यूज ऑफ फंड क्या है, कंज्यूमर एंड बिजनेस लोन्स, स्टॉक्स. म्यूचुअल फंड्स में अगर बात करें तो सोर्स ऑफ फंड क्या होते हैं, शेयर्स आते हैं. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में भी शेयर्स आते हैं, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट. अब हम बात करते हैं, यहां तक तो हमने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन किया, उसका एक मेजर जो कंपोनेंट था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी बात की. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बाद हमने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की बात की, हमने देखा कि कैसे कैसे वो उनके अंदर मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन कौन सी हैं, वो अपना रोल कैसे प्ले करती हैं. अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं, जो कि फाइनेंशियल मार्केट है. फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या काम है, अब देखें आप दोबारा इसमें, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपकी बॉन्ड मार्केट आती है, आपकी स्टॉक मार्केट आती है. फाइनेंशियल मार्केट्स आर द मार्केट्स इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पीपल हु हैव अबंडेंट फंड्स टू दोज पीपल हु हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स. फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली अब क्या करती हैं कि आपके जहां आपके फंड्स ट्रांसफर करती हैं, लेकिन अब उसका क्या, इसके पीछे क्या बेसिक मकसद क्या है. ये नहीं कि सिर्फ वहां से फंड ट्रांसफर किए और उसका, अब आप मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करती हूँ. फाइनेंशियल मार्केट्स आर द मार्केट्स इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पीपल हु डोंट हैव द प्रोडक्टिव यूज ऑफ देम टू दोज पीपल हु हैव प्रोडक्टिव यूज ऑफ इट. अब इधर बात होगी, देखिए हमने यहाँ बात की कि जो लोगों के पास प्रोडक्टिव यूज नहीं है. अब आपने एक बात सुनी होगी कि जब तक मनी सर्कुलेशन नहीं होगी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट नहीं किया जा सकता.
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मनी सर्कुलेशन हो, वरना पैसा एक ही जगह पे रुका रहेगा। आपको अपने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में फंड्स ट्रांसफर हों। और इसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट जो ग्रुप होता है, जो आप दे रहा होता है वो लेंडर होता है, और जो ले रहा होता है वो बोरोअर्स होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में दो तरह, इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी एक जनरलाइज्ड मार्केट भी हो सकती है और स्पेसिफाइड मार्केट भी हो सकती है। अगर हम जनरलाइज्ड मार्केट की बात करें तो इसमें डिफरेंट कमोडिटीज आ जाती हैं, मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि कैश भी ट्रांसफर हो सकती है और कोई कमोडिटी वगैरह भी। कमोडिटी इंक्लूड्स प्रीशियस मैटर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर स्पेसिफाइड की बात करेंगे तो एक स्पेसिफाइड कमोडिटी भी हो सकती है और कैश भी हो सकती है। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर आप देखें, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें हम अगर पहली बात करें, टाइप्स कौन कौन सी है हम इसमें देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट आ जाती हैं, मनी मार्केट आ जाती हैं, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो बेसिक इसमें डिफरेंस है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट क्या होती है, ये वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह लेती है। लाइक अगर कोई कंपनी या कॉरपोरेशन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, और या वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्टार्ट करती है, लाइक पहले उसका था कि वो पोल्ट्री में काम करी है, अब जैसे वो एक नई कंपनी आती है प्रोसेस कैनन्स वगैरह है, वो अपने इस तरह का प्रोसेस फूड वगैरह स्टार्ट करती है, तो उसका जो पहला पर्पस था वो पोल्ट्री का था, अब वो डाइवर्सिफाइड हो रही है प्रोसेस फूड की तरफ, तो तब उसको हो सकता है कि तब उसको वहां पे फंड्स वगैरह चाहिए हो, तो तब वो कैपिटल मार्केट में जाएगा। मनी मार्केट क्या होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स वगैरह, शॉर्ट टर्म नाम से ही जाहिर होता है, जिसका पीरियड लेस देन वन ईयर हो। और ये नॉर्मली तब लिया जाता है कि कंपनी के कुछ ऐसे फंड्स वगैरह, जैसे कोई ऐसा डिजास्टर आ गया कि आपको एकदम से पैसों की जरूरत पड़ी, तब आप लेते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट जो है इसके अंदर इसको फर्दर डिवाइड किया जाए तो बॉन्ड्स एंड स्टॉक मार्केट आती है। अब बेसिकली बॉन्ड्स क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है, बॉन्ड आप से वर्ड जाहिर करता है, इसे डेट से किया जाता है। और स्टॉक मार्केट क्या होती है कि जहां पे आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वगैरह होती है। अब दीज मार्केट्स चैनल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, देयर बाय प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि ये वो मार्केट्स हैं जो अपने फंड्स को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स में ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो होता है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका एक मेजर इम्पैक्ट है पर्सन क्या वंस वेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स एंड साइक्लिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि प्रोडक्टिव यूज के लिए फंड्स को ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम सेवर्स टू दोज हु आर शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं, देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज इन फाइनेंशियल मार्केट्स। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट फाइनेंसिंग, इन विच लेंडर्स एंड बोरोअर्स मीट डायरेक्टली टू एक्सचेंज सिक्योरिटीज। आई थिंक आपको डायरेक्ट फाइनेंसिंग को मैं अच्छा खासा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे आपको दोबारा से उसकी जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग है जो डायरेक्टली हो रही है। और इसमें सिक्योरिटीज, इसमें स्टॉक बॉन्ड्स आती हैं। अब सिक्योरिटीज की बात आ रही है, सिक्योरिटीज क्या होता है, सिक्योरिटी जो है आर क्लेम्स ऑन द बोरोअर्स फ्यूचर इनकम और एसेट्स। अब फर्दर सिक्योरिटीज क्या होता है कि इट्स अ फाइनेंशियल क्लेम और पीस ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज सब्जेक्ट टू द ओनरशिप। अब इसमें क्या स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, फॉरन एक्सचेंज आ जाती है। अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बेसिकली डेट को कहा जाता है, जेनेरिकली इसके लिए वर्ड डेट यूज होता है। अब देखिए आप डेट में क्या करेंगे, जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं या गवर्नमेंट को, वो इनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को कि वो सेविंग वगैरह लेके आए, और फिर इंडिविजुअल्स की सेविंग्स को हम लोग कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट को देते हैं ताकि वो अपनी वेलबींग ऑफ द कंट्री के लिए काम कर सकें। अब डेट जब दिया जाएगा तो आप देखें, हम बात कर रहे हैं कि डेट हम डिफरेंट जगहों से ले सकते हैं, तो डेट के ऊपर हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे करनी होगी, जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। डेट में हम ना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट उसको देंगे, बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
अब इसमें आपका डिपेंड करता है कि आप लाइक लेट सपोज दैट आपको 100,000 चाहिए, तो आप 100,000 को कैसे, आप उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हो, आपकी अपनी ईज के ऊपर है कि आप उसको 20 इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाहते हो या 25 बनाना चाहते हो, आप किस तरह लेके चलोगे और इंटरेस्ट रेट। अब सेकेंड टाइप ऑफ जो फाइनेंशियल ट्रेड इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक्चुअली जो फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। जब जब हम फाइनेंशियल मार्केट में भी वही बात आ रही होगी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में भी। अब उसके अलावा इन दिस सिनेरियो बोरोअर्स एंड लेंडर्स नेवर मीट डायरेक्टली, बट लेंडर्स प्रोवाइड फंड्स टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सच एज बैंक एंड दोज इंटरमीडियरीज इंडिपेंडेंटली पास दीज फंड्स ऑन टू बोरोअर्स। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की यहाँ पे दो चीजें आपकी आ गई, डायरेक्ट फाइनेंसिंग भी आ गई और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग भी आ गई। डायरेक्ट फाइनेंसिंग वही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि डायरेक्टली ट्रांजेक्शन होगी बोरोअर और लेंडर के दरमियान, और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में ट्रांजेक्शन मे बी डन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स को कैटेगराइज किया जा रहा है फोर बेसिक टाइप्स में। नंबर वन डेट वर्सेस इक्विटी मार्केट्स, नंबर टू प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट्स, नंबर थ्री एक्सचेंज वर्सेस ओवर द काउंटर मार्केट, फोर्थ मनी वर्सेस कैपिटल मार्केट्स। अब सबसे पहले हम डेट वर्सेस इक्विटी मार्केट की तरफ जाएंगे। डेट वर्सेस इक्विटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स आर बेसिकली स्प्लिट इनटू डेट एंड इक्विटी मार्केट्स। देखिए ये आप लोग डेट और इक्विटी के बारे में आप सुनते रहे होंगे, डेट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लोन्स वगैरह है, इक्विटी क्या होती है कि जो आपकी अपनी ओनरशिप स्टॉक जैसे हो सकता है। तो अब देखें किसी भी कंपनी के लिए उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अगर देखें, आप लोगों ने कॉर्पोरेट फाइनेंस वगैरह में कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह को देखा होगा, तो किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इक्विटी पे, नॉर्मली कंपनीज का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट करता है कुछ रेशियो इक्विटी की और कुछ डेट की, क्योंकि कंपनीज जो है नॉर्मली उनको ये होता है कि अपनी एक्सपेंशन के लिए डेट वगैरह चाहिए होता है। अब डेट का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। डेट टाइटल्स आर द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है कि वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेट लिया जाता है उसके ऊपर आपकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट्स होती है प्लस इंटरेस्ट रेट होता है। अब इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग और इट्स द प्राइस पेड फॉर द रेंटल ऑफ द फंड्स। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात आगे जाके फिर फर्दर आपको एलोबरेट करूंगी कि इंटरेस्ट रेट का जब चेंज होता है तो उसका हाउस होल्ड लेवल पे या कॉरपोरेशन लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। डेट्स को फर्दर आप देखें तो तीन तरह के डेट्स इश्यू किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स जिसकी मेच्योरिटी लेस देन वन ईयर होता है कि आपको विद इन अ वन ईयर आपको ये पेमेंट वापस करनी होती है। मीडियम टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स आर बेसिकली द लोन्स जो 3 to 5 years तक चलते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन्स जो जिनकी मेच्योरिटी 10 years से ज्यादा होती है। अगर हम कॉमन डेट की बात करें तो इसके अंदर बॉन्ड्स और मॉर्गेजेस, बॉन्ड्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जेनेरिकली द वर्ड यूज्ड फॉर द डेट, और मॉर्गेज में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये तो था डेट मार्केट के बारे में। इक्विटी मार्केट, इक्विटी क्या हो सकता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। द मोस्ट कॉमन इक्विटी टाइटल इज कॉमन स्टॉक। आपने कंपनीज जब पढ़ी होंगी तो देखा होगा कि उसका कॉमन स्टॉक होता है। स्टॉक बेसिकली क्या होती है, पोजीशन होती है, ओनरशिप होती है किसी भी कॉरपोरेशन में। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है उसका क्या काम है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेक्स बायर्स एंड ओनर ऑफ द बोरोअर्स इंटरप्राइज। कि देखिए आप इसमें क्या है कि ओनरशिप आ रही है, जो डिफरेंस ये आ रहा है कि डेट जो है उसमें ओनरशिप नहीं है बट इक्विटी मार्केट में ओनरशिप है। इक्विटी टाइटल्स डोंट एक्सपायर एंड देयर मैच्योरिटी इज दस इनफाइनाइट। देखिए इसके अंदर एक और डिफरेंस जो डेट और इक्विटी मार्केट में आ रहा है कि ये एक्सपायर नहीं होती है और उनकी मैच्योरिटी नहीं होती, इनफाइनाइट होती है, और इनको हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कह सकते हैं। और इक्विटी में एक और चीज होती है कि आपने देखा होगा जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स वगैरह को, या जब कंपनी आईपीओज में जाती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में वो क्या करती है कि अपने जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है, वो परचेज करती है। उनको क्या फायदा होता है, एक तो वो कंपनी की शेयर होल्डर का स्टेटस तो खैर उन्हें नहीं दिया जाता बट उनको एक डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड क्या होता है कि जब भी शेयर्स के ऊपर बेनिफिट होगा वो उनको दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, प्राइमरी मार्केट्स वर्सेस सेकेंडरी मार्केट्स।
प्राइमरी मार्केट्स वर्सेस सेकेंडरी मार्केट्स, इसमें क्या है कि अब मार्केट्स को दो तरह से डिवाइड किया जा रहा है, प्राइमरी मार्केट्स में और सेकेंडरी मार्केट्स में। प्राइमरी मार्केट्स आपको भी पता, नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी मार्केट न्यूली इशूड है। प्राइमरी मार्केट्स आर द मार्केट्स इन विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर न्यूली इशूड बाय बोरोअर्स, कि इसमें आपके आईपीओज आते हैं। सबसे अच्छी जो एग्जांपल है प्राइमरी मार्केट की वो आईपीओज है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन होती है वो इन्वेस्टर और इशूअर के दरमियान में होती है, और आपको बॉदर नहीं करना पड़ता कि आप लिक्विडिटी को देखें। लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट्स की बात करते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट्स आर मार्केट्स इन विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस आर ट्रेडेड अमंग लेंडर्स, के ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं। अब देखिए, ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिक्योरिटीज में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? बीइंग द फाइनेंस स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा लिक्विड रेशियो के बारे में, आपने पढ़ा होगा। लिक्विड रेशियो क्या होती है? लिक्विड रेशियो जो है वो ये होती है, द एसेट्स व्हिच आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात की जाती है। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखी जा रही है। लिक्विडिटी का क्या है कि जो मोस्ट लिक्विड सिक्योरिटीज होंगी वो तो जल्दी सेल आउट हो जाएंगी, लेकिन जो इनलिक्विड होंगी उसके लिए बायर्स या सेलर्स मिलना मुश्किल होंगे। तो जब भी आप सेकेंडरी मार्केट्स में देखें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है लिक्विडिटी का वो आता है। उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज एक्सचेंजेस इन विच टाइटल्स आर ट्रेडेड इन सेंट्रल लोकेशन। अब अगर एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि सेंट्रल लोकेशन से लिस्टेड कंपनीज आती है, लेकिन जब ओवर द काउंटर मार्केट जाते हैं तो उसमें लिस्टेड कंपनीज नहीं होती। इसमें इन विच टाइटल्स आर सोल्ड इन सेवरल लोकेशंस, यह हम कल जब सेकंड चैप्टर की तरफ आएंगे तो उसमें ये मार्केट्स, डेट वर्सेस इक्विटी, प्राइमरी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट को और ज्यादा एलोबरेट करेंगे। देन मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट्स। जब मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की तरफ पढ़ा रही थी तो तब ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी, मनी मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट्स आर द मार्केट्स इन विच ओनली शॉर्ट टर्म डेट टाइटल्स आर ट्रेडेड। अब शॉर्ट टर्म डेट कौन से होते हैं, मैंने आपको किस लिए लिए जाते हैं? कॉर्पोरेशंस लेती हैं शॉर्ट टर्म डेट्स, और वो इसलिए लेती हैं कि उनको कोई इमरजेंट नीड को फुलफिल करना होता है। और कैपिटल मार्केट्स आर द मार्केट्स इन विच लॉन्गर टर्म डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। उसके अलावा कुछ और मार्केट्स होती हैं, इसमें डेरिवेटिव मार्केट्स आ जाती है, इंश्योरेंस मार्केट आ जाती है, इंटरनेशनल मार्केट आ जाती है। वो फर्दर हम जब नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे तो उसको और ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, उनके क्या फंक्शंस हैं? बोरिंग एंड लेंडिंग, ये तो आपको मैं शुरू से बता रही हूँ बार बार कि फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब ही ये है कि बोरिंग एंड लेंडिंग, उन लोगों से जो लोग लेंडर्स हैं, सेवर्स हैं, उनके अमाउंट उनको दी जाए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स या ट्रांजेक्शन हो बिटवीन लेंडर एंड बोरोअर। प्राइस, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज द प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स डिटर्मिन द प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। The secondary markets herein play important role in determining the prices for newly issued assets. अब देखिए उसमें उसने क्या बात की है, फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइसेस को डिटरमिन करती है, और उसमें सेकेंडरी मार्केट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जो एग्जिस्टेड सिक्योरिटीज को ही ट्रेड करती हैं। उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स इज एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। अब इसमें क्या आता है, वही कि एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होंगी। अब आप देखें कि इसका मतलब बहुत ज्यादा एक डीप इंपैक्ट है मार्केट्स का, इंस्टीट्यूशंस का, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। विदाउट डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स कंट्री इज नॉट इन द पोजिशन टू गो इन टू डेवलप्ड फेस। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, मार्केट्स में एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन होगी। सबसे जो हमारी मार्केट को, अगर हम अपनी मार्केट को दूसरे कंट्रीज की मार्केट के साथ कंपेयर करें तो इंफॉर्मेशन का मसला है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या काम है कि वो कलेक्ट करती हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज। रिस्क शेयरिंग, अब वो आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स में रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई होगा, एक से दूसरे की तरफ मूव हो जाएगा। लिक्विडिटी,
लिक्विडिटी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का होना क्यों जरूरी है. खैर, एन इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स दैट यू आर एनेबल टू बाय एंड रीसेल दीज एसेट्स. देन एफिशिएंसी, अब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंक्रीज एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी. नाउ वी विल स्टार्ट, जो हमने पिछला सारा आपको मैंने जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितना भी मैंने बताया वो मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजीज एक डिस्क्राइब कर दी, ताकि जब हम अब हम चैप्टर वो चैप्टर के साथ बहुत ज्यादा लिंक करती हैं. जब मैं चैप्टर की तरफ आऊंगी तो हो सकता है वही चीजें रिपीट या आपको लगे कि ये हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरी था कि मैं आपको वो सारी चीजें एक साथ पहले डिस्क्राइब कर दूं, ताकि जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें एन ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज वगैरह पता हो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी, वाई वी स्टडी फाइनेंशियल मार्केट्स, वाई वी स्टडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, व्हाट आर द मैनेजरियल पर्सपेक्टिव्स एंड हाउ विल वी स्टडी फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा बेसिक चैप्टर है. अब सबसे पहले वाई वी स्टडी फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स दैट इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ बॉन्ड्स एंड स्टॉक मार्केट्स आर वेरी क्रूशियल इन आवर इकोनॉमी. दीज मार्केट्स चैनल फंड्स फ्रॉम सेवर्स to investors, thereby promoting economic efficiency. Market activity affects personal wealth, the behavior of business firms, and economy as a whole. In other words, it has a greater impact on the economic development of the country. Well-functioning financial markets, such as the bond market, stock market, and foreign exchange market, are the key factors in producing high economic growth. Here we will briefly examine each of these markets' key statistics and how we will examine them throughout this course. वो हम आगे जाके अब जब हम next chapters की तरफ move करेंगे तो इस हर एक topic पे एक अलग अलग chapter है जो आपको further elaborate करेगा, describe करेगा कि financial markets क्यों economic growth में crucial role play करती हैं, क्यों funds को transfer की जरूरत पड़ती है, क्यों allocation of resources की जरूरत होती है. ये तमाम questions आपके वहाँ पे आपको इनका answer मिलेगा. अब जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाई वी स्टडी फाइनेंशियल मार्केट्स में बात आती है तो डेट मार्केट वर्सेस इंटरेस्ट रेट. डेट मार्केट्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डेट मार्केट क्या होता है, कि जो भी डेट मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स अलाउ गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू बोरो टू फाइनेंस एक्टिविटीज. इन दिस मार्केट बोरोअर्स इश्यूज अ सिक्योरिटी कॉल्ड अ बॉन्ड दैट प्रोमिसेस द टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट over some specified time horizon. इधर एक बात हो रही है principal amount plus interest. Principal amount का आप लोगों को पता होगा वो amount जो हमने borrow की थी. Like अगर हमने 1 लाख रुपया borrow किया है तो वो हमारी principal amount है, उसके ऊपर जो भी interest होगा 5% interest rate है, 10% interest rate है, जो भी interest rate हमारा जब उस time agreement होगा, like जो prevailing interest rate होगा, तो जब आपने debt वापस करना होगा तो you are liable to pay principal amount plus that interest or for what? For a specified period of time. ये नहीं कि आपको एक अनलिमिटेड टाइम दिया जा रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. या जब आप लोग आप जैसे बैंक जा रहे हैं तो बैंक आपको बताएगा कि अगर आप 100,000 लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसीजर क्या है और उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब आपकी वो आपको बताएगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनानी है. लेकिन जो भी होगा वट एवर आपका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होगा और आप क्योंकि कोई भी सर्विस आप ले रहे हैं तो यू हैव टू पे कॉस्ट फॉर इट. तो इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ बोरिंग, क्योंकि अगर आपको डेट दिया जा रहा है और उसके ऊपर आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा, इट मींस कि आपको एक ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पे करना है. और जो हमारे सेवर्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि बैंक्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, तो बैंक उनको भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह दे रहा होता है, वो उनकी सेविंग्स में आता है. अच्छा, अब दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स इंटरेस्ट रेट इंक्लूडिंग मॉर्गेज रेट्स, कार लोन रेट्स, क्रेडिट कार्ड रेट्स. अब आजकल की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो कार लोन रेट्स आपने देखा होगा कि आपकी कार के लिए आ रहा है कि अगर आपने कार लीज करवानी है, कार लीजिंग वगैरह जैसे आती है, तो आपकी डाउन पेमेंट इतनी है और आप इतनी इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, इतनी में भी कर सकते हैं. आप सब लोग इससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होंगे. उसके अलावा क्रेडिट कार्ड रेट्स,
क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आजकल हर कोई यूज कर रहा है, उसके ऊपर क्या है कि आपको ऐसे फैसिलिटेट किया जा रहा है कि आपको कैश लेके जाने की जरूरत नहीं, जहां भी जाते हैं आप यूज करें और फॉर दैट यूजेज आप अपना साथ में इंटरेस्ट पे करे होते हैं. द लेवल ऑफ दीज रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज रेट्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1983 एक्सीडेड 13%. फाइनेंसिंग अ हाउस वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव एट दिस टाइम. अब देखें उसने कहा क्या बता रहा है कि मॉर्गेज रेट्स जो है 1983 एक्सीड कर गया 13%. और अब देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट भी काफी इंक्रीज हो चुका है, तो अगर डेट वगैरह की तरफ भी जाते हैं तो आपको उसके लिए कॉस्ट अच्छी खासी पे करनी पड़ती है. अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं. बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू इंडिविजुअल्स बिजनेसेस, अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल. अब देखें कैसे इंडिविजुअल्स के लिए इंटरेस्ट रेट है. आप कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना चाह रहे हैं और आपको पता चला है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है, तो आप अपना आपके लिए वाइज डिसीजन ये होगा उस टाइम पे कि आप लोग वो बिल्डिंग वगैरह का डिसीजन छोड़ दें और अपनी आप उस टाइम ये आपको लगेगा कि मैं बैंक की सेविंग्स कर लूं और उस पर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा. ये तो हाउस होल्ड पे है. और अगर या फिर आपने कोई गाड़ी वगैरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, आप चाह रहे हैं कि मुझे गाड़ी वगैरह लेनी है, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपकी कार लीजिंग भी अच्छी खासी ज्यादा हो गई है. उसका फिर क्या होगा, हमारी इकोनॉमी पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें स्लो टर्न आ जाएगा, वो डिप्रेशन फेज में भी जा सकती है. और कॉरपोरेशन लेवल पे अगर देखा जाए, कोई कॉरपोरेशन है वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करी है या कोई एक नया प्लांट वगैरह लाने का डिसीजन करी है, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट हमारी पब्लिक पे ये पड़ता है कि अगर एक नया प्लांट लग जाएगा तो बहुत ज्यादा नई जॉब्स वगैरह भी मिल सकती हैं, जॉब्स वगैरह ऑफर हो जाएंगी लोगों को. लेकिन हो सकता है कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो कंपनीज को लगे कि ये इस टाइम वाइज डिसीजन नहीं है. इस तरह इंटरेस्ट रेट में जितनी भी चेंजिंग्स आती हैं वो आपको हर लेवल पे इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को, कॉरपोरेशन को इम्पैक्ट कर रही होती है. और जब भी कभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है. इसको हम आगे जाके थर्ड लेक्चर में हम इंटरेस्ट रेट को पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीज होगी कि इंटरेस्ट रेट कैसे कम या ज्यादा होता है. द नेक्स्ट स्लाइड शोज हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द बॉन्ड मार्केट. लॉन्ग टर्म यूएस कॉमन रेट्स, शॉर्ट टर्म यूएस कॉमन रेट्स एंड द कॉर्पोरेट रेट्स. वी विल स्टडी दीज फर्दर इन सेवरल चैप्टर्स, एग्जामिनिंग द टाइप्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड्स एज वेल एज थ्योरीज एंड हाउ रेट्स आर डिटरमिंड. ये हम आगे फ्यूचर चैप्टर्स में जाके देखेंगे. ये एक ग्राफ जो है ये डिपिक्ट कर रहा है इंटरेस्ट रेट का, बता रहा है. इसमें तीन तरह के आप देखें, 3 months ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉर्पोरेट बार बॉन्ड्स हैं, मीडियम बॉन्ड्स इन्हें कहा जाता है, और यूएस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं. अब इसमें तीन तरह के बॉन्ड्स को कंपैरिजन दिखाया जा रहा है. 3 months ट्रेजरी बिल्स जो है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में आ जाएंगे क्योंकि इनका टाइम जो है वो सबसे ज्यादा कम है. कॉर्पोरेट बार बॉन्ड्स जो है ये मीडियम टर्म है और ये इनकी क्योंकि ये माइट पॉसिबल भी 3 years तक हो या 1 to 3 year के दरमियान में इनकी मेच्योरिटी हो, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं. इसके ऊपर ये जो ग्राफ डिपिक्ट ये कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट 1950 से लेके 2010 तक किस तरह इन तीनों बॉन्ड्स के ऊपर इफेक्टिव रहा है. तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जिसके ऊपर 1985 में जाके सबसे ज्यादा एक ह्यूज इम्पैक्ट शो हो रहा है. इसी तरह ट्रेजरी बिल्स के ऊपर देखें तो 1955 में वो बिल्कुल नियर टू जीरो है और 2010 में देखें दोबारा से वो जीरो की तरफ आ रहा है. तो ये कंट्रास्ट बता रहा है आपको कि इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट है, इंटरेस्ट रेट के साथ ये तीनों बॉन्ड्स किस तरह इनकी मूवमेंट्स वगैरह. इसको भी हम आगे जब अपने इंटरेस्ट रेट चैप्टर में जाएंगे तो आपको फर्दर एलोबरेट किया जाएगा कि ये किस तरह इन ग्राफ का क्या काम है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट रखता है, मीडियम टर्म बॉन्ड्स पे क्या रखता है और स्मॉल टर्म बॉन्ड्स पे क्या रखता है. फॉर द मोमेंट वी विल टर्न टू अदर टॉपिक्स बट रीविजिट दीज टॉपिक्स. अब आपको मैं बताऊं कि आपके जो चैप्टर नंबर 2, 9 एंड 10, 12 वी विल एग्जामिन द रोल ऑफ द डेट मार्केट्स इन द इकोनॉमी. इन चैप्टर 3 through 5 वी विल एग्जामिन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट. देखिए आपने जो डेट मार्केट और इंटरेस्ट रेट की बात मैं आपको बता रही थी वो मैंने आपको भी एक ओवरव्यू तो दे दिया है. अब फर्दर क्या है कि 3rd और 5th चैप्टर में जाके हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट है, इंटरेस्ट रेट किस तरह डिक्लाइन करता है, किस तरह फॉल करता है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है. एक जनरल बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट जब भी
इंक्रीज होगा तो किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट भी ज्यादा हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इन चीजों को खैर हम फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे। व्हाई स्टडी फाइनेंशियल मार्केट्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, स्टॉक मार्केट। द स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट वेयर कॉमन स्टॉक और जस्ट स्टॉक रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन अ कंपनी आर ट्रेडेड। वही बात जब हमने कैपिटल मार्केट्स की बात की थी उसमें हमने स्टॉक मार्केट की बात की थी। और कंपनी क्या करती है, दो तरह की वही मार्केट्स की बात आ जाएगी, प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स में क्या करेंगी कंपनी, इनिशियली सेल स्टॉक्स, इसमें आपकी दोबारा से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएगी। सेकेंडरी मार्केट में आपकी सीजनल पब्लिक ऑफरिंग आएगी और इसमें दोबारा से वही बात हो रही है कि आपकी ओनरशिप होती है। अगर इसको डेट से कंपेयर किया जाए स्टॉक मार्केट में, तो डेट में आपकी कोई ओनरशिप नहीं होती, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपकी ओनरशिप होती है। डेट मार्केट की अगर आप बात करेंगी तो उसकी मैच्योरिटी है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगी तो इसकी मैच्योरिटी इनफाइनाइट मैच्योरिटी है। ऑफ ऑल द एक्टिव मार्केट्स द स्टॉक मार्केट रिसीव द मोस्ट अटेंशन फ्रॉम द मीडिया बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर पीपल गेट रिच एंड पुअर क्विकली। अब ये कैसे होता है, देखिए आप कोई भी गुड न्यूज या बैड न्यूज आती है फौरन से लोग उसके ऊपर इम्पैक्ट, इसका बहुत एक डीप इम्पैक्ट है इसका इकोनॉमी के ऊपर स्टॉक मार्केट का। वो कैसे है कि स्टॉक मार्केट आपका आपकी बहुत ज्यादा इसको मीडिया आपकी इसको टेंशन इसके ऊपर मीडिया की होती है और इस तरह होता है कि लोग इसको आपकी अपनी बैठ के घर में अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं और ये एक मोमेंट होता है कि कोई भी एकदम से रिच हो जाता है और कोई एकदम से पुअर हो जाता है। अब इसमें देखें कि एक आपकी नेक्स्ट जो भी स्लाइड आपको शो होगी वो लेवल ऑफ द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ओवर द लास्ट 55 ईयर्स, कि उसमें वॉलेटाइल स्टॉक प्राइजेस ने कैसे लास्ट 5 ईयर्स में काम किया। इन फ्यूचर चैप्टर्स वी विल एग्जामिन द रोल ऑफ द स्टॉक मार्केट एज वेल एज हाउ प्राइजेस रिएक्ट टू इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट प्लेस। अब इसमें वो गुड न्यूज और बैड न्यूज की बात भी हम देखेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में गुड न्यूज को कैसे लोग रिस्पॉन्स करते हैं और बैड न्यूज को कैसे करते हैं। ये एक स्टॉक मार्केट में डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को शो किया गया है कि उनकी स्टॉक मार्केट को मेजर किया गया है 1950 से 2010 तक। तो आप देखेंगे जो टर्न आ रहा है ये अच्छा खासा 1955 से लेके 80 तक उसमें इतना चेंज नहीं था, लेकिन बियॉन्ड 1985 उसमें एक मेजर चेंज आया। अब इसमें देखिये स्टॉक मार्केट को कौन कौन देख रहा होता है, ना सिर्फ कंपनीज बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स आर वॉचिंग द मार्केट। Although corporations don't typically invest in the market, they often seek additional funding in the equity markets after going public. The success of these seasonal equity offering is very dependent on the current price of the company's stock. ये भी हम आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ जब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को एक्सप्लेन किया था। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक इम्पोर्टेंट मार्केट फॉरन एक्सचेंज मार्केट। फॉरन एक्सचेंज मार्केट अपने नाम से डिपेक्ट करती है वो मार्केट जिसमें इंटरनेशनल करेंसीज ट्रेड की जाती हों। और जो इंटरनेशनल मार्केट है इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको क्या करना होता है, लाइक एक आपकी होम करेंसी होती है और एक आपकी करेंसी होती है जिसमें आपने ट्रेड करना है। लेट्स सपोज दैट अब आप यूरोज में ट्रेड करना चाहते हैं, डॉलर्स आपकी होम करेंसी है, तो आपके अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करना होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर यूरोज में। और आप देखेंगे कि आपकी कंपनी की आपकी जो करेंसी है उसकी क्या वर्थ है एज कंपेयर टू होम। अब ये इसमें बताती हूँ कि यूएस डॉलर ने किस तरह अपनी उसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट की। इन दीज फ्लक्चुएशंस मैटर इन रिसेंट इयर्स कंज्यूमर्स हैव फाउंड दैट वोकेशनिंग यूरोप इज एक्सपेंसिव ड्यू टू अ वीकनिंग डॉलर रिलेटिव टू द यूरो। देखिए अब किस तरह के डॉलर की पोजिशन यूरो के कंपेयर वीक है। वेन द डॉलर स्ट्रेंथन्स foreign purchase of domestic goods falls and US manufacturers experience a decreased demand for their goods. वही जिस तरह की आपने देखना है कि आपकी अगर आपका डॉलर स्ट्रेंथन है तो आपकी जो फॉरेन परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स है वो फॉल कर जाएगी और जो आपकी US manufacturers हैं वो क्या करेंगे इन गुड्स की डिक्रीज डिमांड को फेस करेंगे। ये भी एक इंडेक्स में शो हो रहा है कि एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर 1970 से लेके 2010 तक डॉलर में जो फ्लक्चुएशंस आई हैं उसको ये ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है। अब इन द फ्यूचर चैप्टर्स वी विल एग्जामिन हाउ द एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमिन्ड इन बोथ द शॉर्ट एंड द लॉन्ग रन। वी विल ऑल्सो स्पेंड कंसिडरेबल टाइम डिस्कसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटवर्क्स दैट ऑपरेट द सो कॉल्ड मार्केट प्लेसेस। दीज इंस्टीट्यूशंस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी।
फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कि आपका क्या स्ट्रक्चर है, दैट हेल्प्स टू गेट द फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स. अब इसी तरह अगर हम एक और जब फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं. फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं, जब आपका फाइनेंशियल सिस्टम सीज अप हो जाए. अब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 2007 से 2009 तक, उसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस की अपनी डेली रूटीन में देखें, 9/11 के बाद बहुत ज्यादा एक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था 9/11 का. इसी तरह दुबई में एक प्रीवियस डेज में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया है. तो ये क्यों हुआ, इसके जो रीजंस हैं उसको हम फर्दर देखेंगे कि अपने फर्दर चैप्टर्स में जाके कि ये क्यों हुआ. इसकी जो मेन रीजंस हैं ग्रेट डिप्रेशन किया, उसमें ये हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में जब फ्लक्चुएशंस आई इंटरेस्ट रेट में, स्टॉक मार्केट में, तो आपने उसमें कैसे रिस्पॉन्स किया, आपका बिहेवियर क्या था. क्योंकि किसी भी जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है या स्टॉक मार्केट में कोई वॉलेटाइल स्टॉक वॉलेटिलिटी आती है, तो आपको एक वाइज डिसीजन लेना होता है. अगर आप बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपने देखना होगा कि इस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए. उसके अलावा आपके सेंट्रल बैंक्स एंड कंडक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. सेंट्रल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और फर्दर हमारे बोरोर्स को प्रोवाइड करते हैं, और वो बैंक्स वो होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि सप्लाई ऑफ मनी. एक तो मैनेजमेंट मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड बिसाइड्स दिस सप्लाई ऑफ द मनी. और अब इसी तरह इंटरेस्ट रेट का क्या, उसमें वो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को किस तरह, सेंट्रल बैंक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो इंटरेस्ट रेट को और मनी सप्लाई को किस तरह मैनेज करते हैं. देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम. अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि इसमें इंटरनेशनली जो मतलब फाइनेंशियल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, इसमें IMF वगैरह आ जाता है. उसके अलावा बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमने इतने ज्यादा पढ़े, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशंस, उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बैंक है. इसलिए कि बैंक्स बेसिकली क्या करती हैं कि सबसे ज्यादा आपको इजीली आपको जो है वो प्रोवाइड करती हैं, आपको इजीली सबसे ज्यादा एक ऐसा सोर्स है जिसको हर कोई अप्रोच कर सकता है. और इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें भी बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. फाइनेंशियल इनोवेशन. अब बात आती है फाइनेंशियल इनोवेशन की. इनोवेशन का मतलब क्या होता है, मतलब किस तरह क्रिएटिविटी किस तरह आई विद द पैसेज ऑफ टाइम. जब हर चीज एक विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज में एक चेंज आया, इसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और फाइनेंशियल मार्केट्स भी चेंज हुई, तो उनमें इनोवेशन कैसे आया. सबसे बड़ी जैसे आपका एक बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. अब पहले प्रीवियस लास्ट डेकेड्स में क्या होता था, किसी भी कस्टमर को अपने बैंक के बैलेंस वगैरह अपने अकाउंट की डिटेल चाहिए होती थी या उसने कैश ड्रॉ करनी होती थी, तो उसको बैंक पर्सनली जाना पड़ता था या वो फोन पे अकाउंट्स डिटेल, लेकिन वो भी उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दी. तो अब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. आपको कहीं भी पैसों की जरूरत है, उनके साथ में कैश रखना इतनी बड़ी अमाउंट इजी नहीं होता, तो आप सेफ भी नहीं होता. आप कहीं भी जाएं, आपको शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं, आप इजीली अपना ATM निकालें और विथड्रॉ कर सकते हैं. सेकेंडली आप ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है. ऑनलाइन बैंकिंग ना सिर्फ आपको बैंकिंग आपको आपके अकाउंट की डिटेल, बैंक स्टेटमेंट वगैरह बताता रहता है, अगर आप कुछ पे कुछ और सर्विसेज भी यूटिलाइज कर सकते हैं लाइक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, पोस्टल ऑर्डर्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, इस तरह की. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंसिंग. इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. अगर हम ड्रॉबैक्स की तरफ आएं तो आपकी लाइक ऑनलाइन बैंकिंग है, जैसे हैकर्स वगैरह की बात होती है, तो वो आपके अकाउंट डिटेल को कर सकते हैं. खैर इन चीजों को हम अपने फर्दर चैप्टर फ्यूचर लेक्चर्स में फाइनेंशियल इनोवेशन के ऊपर डिस्क्राइब करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल इनोवेशन में. जब ई फाइनेंसिंग आई तो उसको कौन कौन सी फाइनेंशियल इनोवेशन के फेस, किस तरह वो इस फेस से गुजरे, उनको क्या चैलेंजेस थे, उनकी बेनिफिट्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है. बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल इनोवेशन को देखें तो दैट इज फोकसिंग ऑन द इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड इंपैक्ट ऑन हाउ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड. मैनेजिंग रिस्क इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अगर आप रिस्क को देखें
तो फोकसिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब सबसे ज्यादा कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी आप स्टार्ट करते हो, तो रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, तो आप कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे? आप डेरिवेटिव मार्केट्स की तरफ जाएंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव्स क्या होती हैं? डेरिवेटिव्स वो होते हैं कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क कभी भी पूरी तरह अवॉइड नहीं हो सकता, सिर्फ रिस्क को या तो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं या मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर आप मैनेजरियल पर्सपेक्टिव्स देखें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अमंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द यूएस एंड ऑफन पे हाई सैलरीज। अगर यूएस मार्केट में देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और आप हाईली सैलरीड पीपल हैं। नोइंग हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर मैनेज्ड मे हेल्प यू बेटर डील विद देम। इसमें अगर आप देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, आप कैसे, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है एज एन इंडिविजुअल, आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, आपको कभी फंड्स, आपकी शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, आपको लगता है कि आपको फंड्स चाहिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ ओनर, एज अ कॉरपोरेशन, तो आपको कहीं ना कहीं आपका वास्ता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पड़ता रहता है। तो ये आपको अगर एक नॉलेज है तो ये आपको बताएगा कि हाउ यू कैन मेक अ बेटर डील। बेसिक एनालिटिकल फ्रेमवर्क, कि फ्रेमवर्क क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का। सिंप्लीफाइड मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड, एक्सप्लेन्ड एंड देन मैनिपुलेटेड टू इलस्ट्रेट वेरियस फिनोमेना। कि आप मॉडल्स से, ड्रॉ चार्ट से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग मैनेजर केसेस आर यूज्ड टू थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल एस्पेक्ट्स। इसके अलावा आप आर्टिकल्स ले सकते हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स जो आजकल के हैं वो ले सकते हैं, विच आइडेंटिफाइड द की कंसेप्ट फ्रॉम द डेज न्यूज। अदर फ्यूचर्स में आपकी केस स्टडीज हैं, एप्लीकेशंस एंड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, स्पेशल इंटरेस्ट बॉक्सेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ एनालिटिकल एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं। केस स्टडी वगैरह भी हम आगे जाके देखेंगे कि केस स्टडीज में आजकल का जो फिनोमेना वगैरह है या करंट जो सिचुएशन है उसको एलोबरेट किया जाता है। वेब एक्सरसाइजेज हैं, आप जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर चीज में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन काफी ज्यादा आ गई है, तो द वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इनॉर्मस रिसोर्स फॉर प्रेजेंट एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। वी विल पीरियोडिकली रिप्रेजेंट वेब एक्सरसाइजेस टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लोकेशंस फॉर इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू यूज इट। द नेक्स्ट थ्री स्लाइड्स स्टार्टिंग ऑन पेज 10 इन द टेक्स्ट शो यू हाउ टू फाइंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द फेडरल एफईडी and save the information and how to import the data into Excel and how to examine the information। ये हम जब आगे further exercises करेंगे तो उसमें web exercises हैं कि आपने data कैसे देखना है, उसको import कैसे करना है और उसको interpretation कैसे है। मतलब मैंने एक दो स्लाइड्स आपके व्यू ओवरव्यू के लिए डाली हैं कि कैसे आप फेडरल रिजर्व स्टैटिस्टिकल की तरफ जा रहे हैं, वहां से हिस्टोरिकल डाटा कॉपी कर रहे हैं। इसी तरह आप याहू पे जा सकते हैं, डिफरेंट सर्च इंजन हैं जहां से आप ले सकते हैं, और फिर उसको आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मार्केट प्राइजेस चाहिए। जब हम आगे देखेंगे अपनी मार्केट की बात करेंगे तो उसमें आपको हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होगा कि कंपनीज की मार्केट प्राइसेस क्या हैं, तो वो देख सकते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन भी है। अब हम वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। तो बिफोर एंडिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर। आज के लेक्चर में, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल सिस्टम से, फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह को। फाइनेंशियल सिस्टम से फिर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ आए। इंस्टीट्यूशंस में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह हैं। देन हम यहाँ पे आगे देखा कि इंटरमीडियरीज कौन कौन सी हैं, ब्रोकर्स को देखा, डीलर्स को देखा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ आए। फिर हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस को क्यों, इनकी स्टडी क्यों जरूरी है। फिर इसमें आपकी स्टॉक मार्केट वगैरह आ गई। फिर इसी तरह हमने फाइनेंशियल मार्केट की बात की, तो हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, फंड्स क्यों ट्रांसफर किए जाते हैं, क्यों वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी में। फिर वहां पे हमने अपनी डेट और स्टॉक मार्केट की बात की है कि डेट मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। उसमें जब हमने डेट की बात की तो इंटरेस्ट रेट को कवर किया कि इंटरेस्ट रेट कैसे फ्लक्चुएट करता है, उसका हाउस होल्ड लेवल पे क्या इम्पैक्ट है और कॉरपोरेशन पे क्या इम्पैक्ट है और ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट है। देन हम लोगों ने ओवर द काउंटर मार्केट और एक्सचेंज मार्केट को देखा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को देखा, मनी एंड कैपिटल मार्केट को देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा
मैनेजरियल परस्पेक्टिव्स क्या हैं, फाइनेंशियल इनोवेशंस क्या हैं, और कैसे कैसे इनोवेशंस, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बैंक्स है, वो क्यों कहलाए जाते हैं, इनोवेशन क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है. आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. इन द एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू एस्क एनी क्वेश्चन.